क्या कर रहे हो बेटा? कहाँ से जा रहे हैं ना? चलिए ट्रेन का टाइम होने वाला है, चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। हम रूम को करते हैं बाय बाय और बहुत जल्द आएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग घर से निकल चुके हैं और चलिए चलते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो हम और काजल के सिवा। चलो होटल ना मिड टाउन, सॉरी मिड टाउन होटल है, मिड टाउन। और यहाँ लिफ्ट भी है, बट हम लिफ्ट में इस, ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल लिफ्ट है, हमको समझ में होता नहीं यार, इसलिए नहीं गए हैं, जीने से ज़्यादा बेटर समझे। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर में, ऑटो वाले अंकल आके खड़े हैं, है ना, जल्द से जल्द निकलना है। और ये देखिए होटल से बाहर निकलते हैं, स्टेशन सामने में स्टेशन है, देख सकते हैं पूरा सूरत रेलवे स्टेशन। चलिए अभी चलते हैं, बैठ चुके हैं, आवाज वैसे आ नहीं रहा होगा। और ये देखिए अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, और ये रास्ते में कुछ ऐसा मॉल है शायद, गोरी लिखा है। ये ऑटो में जो है CNG डला रहा है, और ये अंकल हमें लेके आए हैं। हो गया, चलिए बैठो बैठो, चलो बेटा बैठो, चलो। तो अभी ये वाला बिल्डिंग काफी प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सीप है ना, जहाज जैसा लग रहा है, पानी वाला। हाँ हाँ, काफी अच्छा लोकेशन है इधर का। और इधर साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, बिल्डिंगें बन रही है इधर साइड में, देख सकते हैं। तो ये सूरत का एयरपोर्ट है, इसमें अंदर इसके। तो अभी हम लोग मतलब पहुंचने ही वाले हैं, और इधर का एरिया देख सकते हैं काफ़ी सूना सना सा है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। आप इधर ही पार्किंग में लगा दो, आराम से। काहे डर रही हो कजाल? तो अभी आ गए हैं जी, इधर देख सकते हैं पूरा पार्किंग लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह का है। तो अभी काजल ऑटो में ही है, चलिए उतर आते हैं काजल को, क्योंकि मानसिस हो गई है। और काफ़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ का, अभी चलिए देखते हैं। चलो काजल आ जाओ बेटा, ये आप देखना क्या है, चलो आ जाओ। सो गई थी आप? चलिए अभी चलाते हैं, है ना बेटा? चलो मैं आया, चलो आप भी आ जाओ उधर ही। हाँ मैं आता हूँ, हाँ थोड़ा गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ हुआ बेटा, यहाँ से है एंट्री। क्या ही मस्त हवा आ रहा है ना, ये टूरिस्ट प्लेस है ना इसे। चलिए अभी चलते हैं, वहाँ आगे में एक मंदिर जैसा दिख रहा है, है ना। प्यास लगा, पानी पी ना, ठंडा वा। तो यहाँ आते आते काजल कुछ खरीद रही है, क्या है? इमली, कौन सा इसको प्लास्टिक में दे दीजिए। तो अभी हम आम ये खा रहे, आम है, मिर्चा है और काला नमक। देखिए यहाँ आम कितना बड़ा बड़ा है, ये टंगा ये वाला। इस सीजन में आम कहाँ से आ रहा है? चलो बेटा, हाँ चलो। कहाँ है बेटा? मानसिक उधर पूल दिख रहा है, और काजल अपना खा रही है। इधर ऊँट भी है दोस्तों, ऊँट की सवारी, घोड़ा बैठू, उठा के फेंक देता कहाँ जाए, बैठेगी काज उठा के फेंक देगा घोड़ा, तो काजल धप से गिरेगी। हम लोग एक्चुअली पिछली बार भी आए थे, लेकिन पिछली बार ऊँट नहीं दिख रहा था। हाँ पानी बहुत आगे चला गया,
काम की करना है हाँ। तो पानी में चल देखें होएगा ना लोग तो गए नहीं तो पानी यहाँ तक रहता है ना हाँ जहाज जहाज ना फिर बढ़िया मजा आएगी तो प्लेन जा रहा है ऊपर से चलो बेटा एकदम नजदीक दिख रहा है ये चलिए अभी चलते हैं इधर मछली भी है बेटा कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है ना ये काला काला सा क्यों है अरे सर देखिए पूरा जहाँ तक नजर जाएगा वहाँ तक पूरा पानी ही पानी है पानी इस टाइम बहुत सूखा है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है बहुत दूर चला गया पानी कितने लोग नहा भी रहे उधर हो गया चलो 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 क्या हुआ रुको मैं पैंट मोड़ लूँ है ना क्या कैसे गिर रही हो बताओ पानी गंदा हो गया इस टाइम ये देखो इतना कह रहा है हाँ उधर ही जाओ बेटा हाँ डूब रहा हूँ तो अभी चल रहे हैं हम लोग उधर साइड कहाँ कछुआ है बता ए मत मारा मैं इधर कछुआ दिख रहा है मानसिक इधर माता जी का वो वहां पे क्या कर रही हो बेटा पूल में खेल रही हो बपरी बपरी बस 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 हाँ काफी लोग यहाँ से आए हैं चलो बाहर चलते हैं पानी नहीं मिला कल पानी बहुत दूर चला गया जाकर पानी में आए हैं थोड़ा सा इधर क्या बेटा खेल रही हो तो चलिए अभी चलते हैं निकलते हैं इधर से और थोड़ा सा उधर एंजॉय करेंगे सूखा में है ना चलो क्योंकि पानी जो है बहुत दूर जा चुका है पूरा कीचड़ ही है बस तो चलिए पानी से तो बाहर निकल गए अब चलते हैं उधर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे फिर चलेंगे उधर क्योंकि आज ही हमारा ट्रेन भी है ना आज ही हमारा ट्रेन भी है शाम को 7:45 से चलिए चलते हैं उधर किस तरफ है ना अगला पिछला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा देखिएगा हम लोग कहां जा रहे हैं देखिए देखिए अगला ब्लॉग जिंदगी में पहली बार घोड़ा पर बैठे कर रहे हैं नहीं बैठा रहे चलो बैठ जाओ ना लगा के चला गया है यार ये पकड़ पकड़ अब पकड़ पकड़ मेरा ना कुछ नहीं होगा मतलब रिएक्शन देखिए काजल का हो गया सपना पूरा हो गया दोस्तों सपना पूरा मेरा पे अभी कह रही थी कि हाँ जिंदगी में तो कभी घोड़े बैठे नहीं आप बैठाओगे भी नहीं हमारा जिंदगी में है ही क्या अब देखिए बैठा दिए अब मजा आता नू डर लग रहा है हमको देखिए पर्स पकड़ा दिए पूरा पर्स लेके घूम रहे हैं ये दोनों माँ बेटी का पर्स लेके घूम रहे हैं हम और ये दोनों घोड़े पे बैठे हैं मानसी कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना और घूमो पकड़े हैं नहीं वो थोड़े कैसे मानती कर रही है भैया दौड़ रहा आराम से चल रहा ले
ना 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 ऐसा नहीं होता। क्यों डर लग रहा है? ऊंट पर भी बैठना है ना? गिरू तो घोड़ा चल रहा है बेचारा धीरे धीरे। मानसी अच्छा लग रहा है आपको? और घुमाओ और घुमाओ। उतर जान दे, उतर जान दे, कोई बात नहीं। मानसी के पापा, अरे रुक जा उधर से, मैं इधर से ये जाएंगे उतना ही में हो जाएगा हमारा, मतलब दूर। वाह घोड़े की सवारी, वाह बेटी पकड़ो मान से समझा रहे थे मुझे कुछ नहीं होगा पापा जी। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा आपको? सुंदर लग रहे हैं ऊंट घोड़ा सब कुछ है इधर। चलिए पानी से तो बाहर निकल आए, फिर भी धोना पड़ेगा उधर देख के। और चलिए पानी तो बहुत दूर जा तो एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन घोड़ा पर बहुत ज्यादा एंजॉय किए। वाह अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा नहीं मिट्टी के साथ मत खेल, पानी में जाना है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो चलते, कहाँ खेलना है? ट्रेन में बाद में जाएगी, अभी धूप में टिकट बैठोगे। चलिए स्लीपर कहाँ निकाले थे भैया? वहाँ है ऑटो वाला भैया, वहीं है। चलिए चलते हैं, बहुत एंजॉय कर लिया था पिछले साल, मतलब खाली पानी में किए थे, तो इस टाइम इस बार घोड़े पे। चलो स्लीपर ले लो। अरे स्लीपर खाली पर घूम लेते जाने। चलो अच्छा लग रहा है? गाड़ी चला रही है मान से भी। दोस्त इधर आओ बेटा। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं बीच से, और चलिए अभी चलेंगे वो घर पे, है ना, फिर से आम लेके खा लेगा। हमको पता नहीं आम देख के पूरा रोहन खड़ा हो जाए। चलिए चलो बेटा आ जाओ। चलो आ गए दोस्तों, अभी निकलो। फिर क्यों आ गए बताओ इनको, फिर क्यों आ गए? सामान लेने। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रूम पे, और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं फटाफट से। हमारा ट्रेन है जो कि 2 घंटा और टाइम है करीब, है ना। पास में स्टेशन है, पैदल ही तो चलेंगे। हाँ पास में, सामने में स्टेशन है, पास में ही, सामने ही, ये जो दिख रहा है ना। जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और हमारा यहाँ का जो काम था वो हो गया कंप्लीट। और चलिए यहाँ से कहाँ जाते हैं आप सबको देखने को मिलेगा, और बहुत ही मतलब कि एक कहते हैं ना, चलिए आप सब देखिएगा वीडियो में। कहाँ है बेटा? अच्छा ठीक है, चलिए आप सब बने रहे हमारे साथ। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, हम रूम को करते हैं बाय बाय, और बहुत जल्द आएंगे अगर
है ना, सब कुछ सही रहा था। बहुत मिस करोगी। हाँ। अब कहाँ जाएंगे बेटा? अब अपने घर जाएंगे। खैर मन से अब अपने घर जाएंगे। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं, 6:30 हो चुका है, 7:30 बजे हमारा ट्रेन है, करीब 7:45-7:43 में ऐसे कुछ है, बट एक घंटा पहले निकलेंगे स्टेशन पे, है ना। और चलिए फिर चलते हैं। खोलोगी? ये वाला बैग काफी कंफर्टेबल रहा है ना। चलो कुछ छोटा नहीं है, अपना चार्जर ले लिए। हाँ, हम चार्जर सारा कुछ ले लिए हैं, सब कुछ टोटल ले लीजिए, कुछ नहीं। चलो हटाओ, इतना मत भूलिएगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि घर तो जा नहीं रहे। हाँ, घर नहीं जा रहे क्योंकि सफर 43 घंटा का हो रहा था, तो हम हाँ। सोचे कि बीच में कहीं स्टे करेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, है ना। चलिए ट्रेन का टाइम होने वाला है, फटाफट से इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।